हाय गाइस, कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो अभी मैं छोटी सी अपडेट जो निकल के आ रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री से, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो बात अगर करें इस अपडेट की, तो अपडेट तो दो लफ्ज़ की है, पर अपडेट काफ़ी बड़ी है जो अभी निकल के आ रही है। तो जो लाल सिंह चड्ढा है, आप लोगों को पता होगा, स्टारर आमिर सिंह की जो मूवी है वो अब पोस्टपोन कर दी गई है। बैक टू बैक दो बार नहीं, तीसरी बार अब ये पोस्टपोन हुई है। पहले पैंडेमिक की वजह से हुई थी, फिर बीच में मतलब कि और पैंडेमिक की जो थर्ड वेव थे उसकी के लिए की गई थी। अब जो भी नेक्स्ट डेट आ रही है वो निकल के जो 14 अप्रैल थी उसे अब मतलब कि हटाकर अब वो मतलब कि 11 अगस्त को होने वाली है 2022 में। अब फिल्म अब क्लैश करने वाली थी KGF 2 के साथ में, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसे सोलो रिलीज मिलना चाहिए था, क्योंकि KGF 2 के सामने में कहीं भी लाल सिंह चड्ढा यानी आमिर खान की सर वो कितने भी बड़े स्टार हों, फिर भी वो फिल्म अभी स्टैंड नहीं करने वाली थी, क्योंकि KGF 2 की काफ़ी बड़ी हाइप है अभी। मतलब 90% लोग अभी भी, अगर मैं वोट डालूँ ना तो किसी भी, अगर मैं राउंड में वोट डालूँ तो 90% लोग यही बोलेंगे कि मुझे KGF 2 फर्स्ट पहले देखना है। तो बात यहीं पर निकल के आती है, और आमिर खान ने खुद कहा, मतलब उन्होंने ये मतलब बताया है कि ये मूवी हम मतलब पोस्टपोन इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो फिल्म की जो मतलब कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है ना, उस टाइम तक हो पाएगी जिसकी वजह से फिल्म डिले हो जाएगा। तो हम जो इसे शिफ्ट है, जो डेट है उसे हम शिफ्ट करके 14 अप्रैल से मतलब कि 11 अगस्त को शिफ्ट कर रहे हैं। और हम थैंक यू कह रहे हैं मतलब कि भूषण कुमार यानी टी सीरीज पे, जो आदि पुरुष आप लोगों को पता होगा उनके फिल्म मेकर्स को, कि वो फिल्म उन्होंने अभी उनका जो मतलब कि सोलो रिलीज देने का उन्होंने फैसला दिया मतलब कि आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को, और वो अपनी फिल्म को 11 अगस्त पे रिलीज ना करके प्रभास की जो मच अवेटेड मूवी आदि पुरुष उससे जो रिलीज डेट है उसे पीछे खींच दिया है, उससे भी शिफ्ट कर दिया है। अभी तक उसकी कोई डेट निकल के नहीं आई है, पर फिलहाल की अपडेट यही है कि आमिर खान की जो लाल सिंह चड्ढा जो बिग अपडेट थी, जितने बैकग्राउंड इतने बड़े स्टार हैं वो, उनकी मूवी अब 14 अप्रैल को क्लैश नहीं करने वाली है KGF 2 के साथ में। अब वो फिल्म हमें जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी 11 अगस्त को। तो हम सब कहना चाहूंगा, क्योंकि दोनों फिल्म अपने जगह पे बेहतरीन होने वाली है, और हम नहीं चाहते कि दोनों के बिजनेस डिवाइड हो, और हम लोगों को भी स्क्रीनिंग के वजह में मतलब डिसाइड करना हो कि पहले ये देखें या ये देखें। इससे अच्छा यही है कि फिल्म हो, दोनों को सोलो रिलीज मिले और दोनों अपनी अच्छी खासी बिजनेस करें, क्योंकि कंटेंट अच्छी हो तो उसे बिजनेस भी करना देना चाहिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट अपडेट जो भी आएगी, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। दोस्तों मेरे चैनल पर बने ही रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।